अरे मम्मी, हाँ बोलो बेटा, वो आपसे एक बात कहनी थी मुझे। क्या हुआ? आज प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, प्लीज। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? वो क्या है ना मम्मी, कल से मेरा एग्जाम शुरू हो गए और आज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरे दोस्त सभी आगे निकल जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा लॉस हो। ठीक है? ठीक है बेटा, तू मन लगा के पढ़ाई कर, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, और अगर आपको कोई भी काम हो तो प्लीज आज आज के लिए मैनेज कर लेना मम्मी, प्लीज। ठीक है बेटी, तू पढ़ाई कर ले। थैंक यू। अब हम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज मैं पूरी रात पढ़ूंगी। कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी। अरे बेटा खाना खा लो, तुम्हारा खाना बन गया। हाँ मम्मी, खा लूंगी मैं रोटी, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी नहीं खाती। 2000 years later। बेटा रोटी खा लो। मम्मी बोला ना, अभी पढ़ रही हूँ, अभी नहीं खाती मैं रोटी। ठीक है बेटा, तुम पढ़ लो। मुझे लगता मेरी बेटी है ना, बड़ी होगी आईपीएस बनेगी, इतना मन लगा के जो पढ़ती है। सीधा मार दिया भाई, तो कल पेपर आ गए और मेरी तैयारी ना हो रही। बाकी तैयारी करने बैठूं जब भी कुछ ना हो सकता। जो मानस पूरे साल कुछ नहीं करेगा, कोई भी एक दिन में क्या कर लेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक काम तो हो सका है, किताब वाली दुकान में जाकर जीरोक्स ले आऊं, और फिर तो नकल भी इसी होगी, बुढ़िया खती एक नंबर की, फिर तो ऊपर थी वो कहन करा हो जाएगा। जली ना तेरी भी जली ना। जो सही है तो करना बता मेरे को। अरे अंकल, जीरोक्स है क्या आपके पास? हाँ बेटा, क्या चाहिए? जीरोक्स चाहिए थी। जीरोक्स? हाँ हाँ जीरोक्स है ना बेटा। अरे बेटा, तुम्हारी शक्ल तो शर्मा जी के लड़के से मिलती है, शर्मा जी का बेटा तो नहीं है तू? खास दोस्त है वो मेरे। और क्या मानो तू जीरोक्स, कल एग्जाम आगे तेरा चीटिंग करेगा पक्का। अंकल आपको क्या सुना, जीरोक्स से? नहीं मैं जीरोक्स मांग रहा था, वो वैसे अंकल मेरे को कामयाब आ गया, चलता हूँ। ठीक है ओके। अरे बेटा जीरोक्स तो ले जा। अरे भाई, ये ग्राहक और भाग गया यार, जान पहचान कम करनी पड़ेगी मुझे। बच गया आज तो, फंस गया होता। मेरा अबू भी है ना, किस किस जान पहचान कर रहा है, कोई शोर तो खान बूझ गया हूँ। अरे दे तोड़ दिया भाई, घर क्या रहा। क्या बोला तूने? मैंने बोर्ड भी रख लिया और दो पेन, दो पेंसिल हो गई, एक कटर हो गया, एक इरेजर हो गई और दो स्केल हो गए। कुछ रह तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं बाकी भगवान जी प्लीज मेरा एग्जाम अच्छा करवाना, मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से मेरा एग्जाम गंदा हो, प्लीज। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ एग्जाम देने। ठीक है बेटे, अच्छे से पेपर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा पेपर होगा। ठीक है बेटे। थैंक यू मम्मी। बोर्ड भी धर लिया और उसको भगवान के फोटो भी ला लिए। भाई भगवान गैल रहे तो पेपर बढ़िया होगा। अच्छा, और बाकी एक पेन गिर लिया है, एक का पेन है, वो ही पूरा पेपर काट देगा अगले साल, वो ही काम हो जाएगा, लिखना तो मैंने। अच्छा तो मैं जाऊं मैं। छोरे बढ़िया पेपर दिए, कदे फेल हो जाए की बार भी। क्या थी दिक्कत मान रहे हो, बढ़िया पेपर होगा बेटे। दिक्कत मानना ना है, दिक्कत फिर तने होगी की बार, तेरे बाबू ने कह रखी है यो फेल होया, अरे इसकी रेडी खलवाई मना अड्डे पे, अभी गोल गप्पिया की। बाकी बिजनेस खराब ना, बढ़िया चलेगी। मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो चालू। अरे बहन, मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दे यार प्लीज। क्या सेकंड क्वेश्चन? अरे सेकंड क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं तो पक्का बता देती जरे। मुझे पता है इसको आंसर तो आता, पर ये बता नहीं रही कहीं मैं इससे आगे निकल जाऊं। ये तो बहुत तेज है, सोच रही मैं इसको बता दूंगी, इसको जो अपना आता वो तो करती है और मुझसे ही पूछ लेती है। वैसे बहन तेरे को थर्ड क्वेश्चन आता है क्या? क्या थर्ड क्वेश्चन? अरे थर्ड क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, वो तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। तू क्या सोच रही मुझे पागल बना देगी, जो अपना आता हो तो करती और मुझसे ही पूछ लेती है। A few moments later. मैम सीट देना, मैम सीट देना, मैम सीट, मैम सीट देना सीट, मैम सीट। अरे भाई क्या प्रश्न हो गए तेरे? अरे भाई पाचा प्रश्न हो ही बे, पाचा प्रश्न हो ही बे, हम माँ की सू, माँ की सू।
सही भगवान की सू, भगवान की सू भाई, बेबे की सू खा जा। अरे बेबे की सू खाने का बाबू की सू, बाबू की सू भाई ना हो जाए। हाँ इतना ना हो, कोई ना भाई कर ले, पर करते बता दिए ठीक से। इतना मोर का जरूरी पे इतना टेबल। A few moments later. अरे भाई हो गए पेपर, बता दिया मेरे तेरे कुछ सारा पढ़ा है, पास हो जाएगा भाई। मेरा तो हो गया पेपर, तू कर ले बाकी टेंशन नहीं, कोई बात ना कर कर पास ले दे दी ठीक से, वो ही पास हो जाएगा ले। अरे मान गए यार तेरे सब भाई ही देखा मैंने, ले दे। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? मम्मी अब की बार मेरे नंबर 2% कम आएंगे, 96% ही आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार लेके आ जाना नंबर, मेहनत तो की थी तुमने। फिर भी मम्मी 98 आते थे, अब की बार 96 आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार लेके आ जाना नंबर, तो आनी जानी चीज है। अब रोना मत ठीक है, रो मत बेटा। ईफ्ट पेपर में बैठ गए भाई, मौज होगी। राम राम सारे ने, किसी लागे वीडियो, तो वीडियो बढ़िया लागी हो तो भाई इसने लाइक करके दियो, शेयर करियो, कमेंट करके दियो, बाकी चैनल पे नहीं हो चैनल कर दो सब्सक्राइब, और भाई ज्यादा हो रहा अपना ओड पैर लियो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जब बाकी।